तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अजय और मेरी इस अजय द लूप चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर आप लोग कैसे एंड स्क्रीन यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है एंड स्क्रीन क्या है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टली आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो आप कभी कभी नोटिस करते होंगे वीडियोस के एंड में आपको कुछ थंबनेल शो होता है, ठीक है, पिक्चर शो होता है। जब आप उस पिक्चर के अंदर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली उस वीडियो के अंदर चले जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही है, इसको ही एंड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं अपनी YouTube वीडियोस के अंदर कैसे एंड स्क्रीन यूज करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोग कैसे अपनी YouTube वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन यूज कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी। दोस्तों, अपनी YouTube वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर डेस्कटॉप मोड में आपको YouTube को ओपन कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है डेस्कटॉप मोड में कैसे YouTube को ओपन करते हैं तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो YouTube.com लिख करके, ठीक है। तो मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सर्च करने के बाद आप डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ऊपर राइट कॉर्नर पर आपके चैनल के अंदर क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर आपके YouTube चैनल का लोगो शो नहीं होता है तो इस वीडियो नीचे कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा यूर चैनल का ऑप्शन, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यूर चैनल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली YouTube स्टूडियो के अंदर आ जाओगे क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक है, जो डेस्कटॉप मोड में है आप आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको वीडियोस पर क्लिक कर देना है। तो वीडियोस पर कंटेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी YouTube वीडियोस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली आप जिस वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर यहाँ पर आपको शो होगा एंड स्क्रीन का ऑप्शन, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मेट शो हो रहा है, ठीक है। आप अगर एक लोगो एक वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप दो वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली एक इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपली आप अपने वीडियोस के ऊपर जो दो वीडियो का लेयर है तो सिंपली आपको एक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे शो होगा चूज स्पेसिफिक वीडियो, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने वीडियोस शो हो जाएगा। आप यहाँ पर जिस वीडियो को भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली मैं एक वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर दूसरी स्क्रीन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से चूज स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करो तो आपके सामने वीडियो शो हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका काम हो गया है, आपको सिंपली ऊपर सेव पर कर देना है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को पता लग गया होगा आप कैसे अपनी YouTube वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन लगा सकते हो, ठीक है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है। अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो उसमें मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।